हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITNCET वेल्डेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो ये आप देख रहे हैं कटिंग टॉर्च है, तो इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। ये दोस्तों आप जानते होंगे कि ये जो रेड पाइप है ये होती है दोस्तों LPG या स्टीम गैस के लिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है बैक फायर अरेस्टर, और ये ऑक्सीजन का होता है पाइप, और ये ऑक्सीजन के लिए बैक फायर अरेस्टर है। और ये दोस्तों ये जो है ये LPG के लिए खोलते हैं इसे, या एसिटिलीन जो भी गैस है पहले इसको ही खोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये ऑक्सीजन का है, फिर ऑक्सीजन खोलेंगे। कभी भी टॉर्च जलाते हैं हम तो पहले LPG खोलते हैं और इसे फिर इसे खोलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ये होता है हमारा एयर प्रेशर, जब भी हम जॉब को काटते हैं तो इसको प्रेशर के द्वारा ऐसे दबाते हैं तो हमारी जो जो होती है कट जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये होता है जैसे कि आप लंबी कटिंग कर रहे हैं तो इसको आप ऐसे करके इसको ऐसे चढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये प्रेशर देती रहेगी उसको और जो पीस कटता रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों जो ये नोज़ल आप देख रहे हैं ये दोस्तों 1/6 की नोज़ल है, इससे ये ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखा है 1/16 की नोजल है इसकी, 1.6 mm जो इसे बोलते हैं, ये 1.6 mm है। इसे दोस्तों 8 से 9 इंच जो प्लेट है या 12 इंच तक प्लेट हम काट सकते हैं इससे, ठीक है। ठीक दोस्तों आप इसे देखिए, ये इतने सारे इसमें छेद होते हैं, कटिंग नोजल है ये जो 1.6 mm है, और 1/16 की नोजल बोलते हैं इसको, 1/16 की, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी कुछ जो टॉर्च के लिए, ठीक है। कटिंग टॉर्च है ये, इससे कटिंग नहीं होती दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।